राजस्थान के जोधपुर में स्थित जालोरी गेट चौराहे पर एक धर्म विशेष का झंडा लगाए जाने के बाद पूरे राजस्थान में तनावपूर्ण माहौल बन गया है। जोधपुर तक जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है, साथ ही शहर में इंटरनेट सेवा फिलहाल सस्पेंड कर दी गई है। राजस्थान के चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, साथ ही खुद राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। आपको बताते हैं कौन है वो बालमुकुंद बिस्सा जिनके नाम पर राजस्थान में सियासी आग धड़क रही है। बालमुकुंद बिस्सा एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका जन्म नागौर के डीडवाना के पीपला गांव में हुआ था। बिस्सा का संबंध पुष्करणा ब्राह्मण समाज से था। उनका जन्म 24 दिसंबर 1908 को हुआ था। उनके पिता के कोलकाता में कई व्यापार थे, लिहाजा पूरा परिवार वहीं रहता था। बालमुकुंद बिस्सा की पढ़ाई भी कोलकाता में ही हुई थी। साल 1934 में वो कोलकाता से जोधपुर लौटे और यहीं पर व्यापार शुरू किया। बालमुकुंद बिस्सा महात्मा गांधी के विचारों से काफी प्रभावित थे। बिस्सा को एक गांधीवादी नेता के रूप में भी जाना जाता था। साल 1934 में उन्होंने चरखा एजेंसी और खादी भंडार की स्थापना भी की। बिस्सा की जवाहर खादी नाम की दुकान आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले क्रांतिकारियों के मिलने और रणनीति बनाने का ठिकाना बन गई थी। 1942 में जब देश में आजादी की लड़ाई आखिरी मोड़ पर थी, तब मारवाड़ में जय नारायण व्यास के नेतृत्व में जन आंदोलन चल रहा था। व्यास के नेतृत्व में चलने वाले इस आंदोलन में बालमुकुंद बिस्सा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बढ़ते आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के तहत उन्हें जेल में डाल दिया। वे लंबे समय तक जोधपुर की जेल में बंद रहे। जेल में रहते हुए उन्होंने कैदियों के अधिकारों की लड़ाई भी लड़ी। देश की आजादी की लड़ाई लड़ते हुए मात्र 34 साल की उम्र में ही 1942 में उनका निधन हो गया। बालमुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास भी कहते थे। जतिन दास भी देश के एक महान क्रांतिकारी थे। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद लाहौर की एक जेल में जतिन दास का निधन हो गया था। हालांकि आज राजस्थान के हालात तनावपूर्ण हैं। आपको बता दें कि कभी आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले बालमुकुंद बिस्सा ने भी नहीं सोचा होगा कि आज़ादी के 75 बरस बाद उनके नाम पर किसी राज्य में इस तरह से सियासी उपद्रव होगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।